टॉप 10 बेस्ट इन्फिनिक्स का अपकमिंग स्मार्टफोन जो बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाले हैं। हाँ दोस्तों, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाले हैं और इन्फिनिक्स बहुत सारे मोबाइल को इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने के लिए तैयार है। इनमें से बहुत सारे डिवाइस बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट पे लॉन्च भी हो जाएगा। तो दोस्तों, एक एक करके सभी डिवाइस के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, इसलिए जो सबसे पहला डिवाइस आता है इन्फिनिक्स का बजट सेगमेंट का इन्फिनिक्स स्मार्ट सीरीज का। हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स सबसे पहले स्मार्ट सीरीज का दो डिवाइस को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा और बहुत ही जल्दी मतलब दिसंबर में ही लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर फुल डिटेल्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा, तो आप अगर देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। और यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइटेड फीचर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मिलने वाला 6.6 इंच का HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, उसके साथ यहाँ पे आपको यूनिसॉक की T606 प्रोसेसर मिलेगा। और दोस्तों, बात कर रैम की तो 4GB रैम प्लस 128GB रोम मिल जाएगा। 5000mAh का बैटरी मिलेगा। 13MP का डुअल AI रियर कैमरा मिलेगा, उसके साथ साथ 8MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों, इस सीरीज में आपको दो डिवाइस देखने को मिलेगा। पहला जो होगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 होगा, जिसका प्राइस अप्रोक्स 7000 हो सकता है। और उसके बाद दूसरा और एक डिवाइस होगा इन्फिनिक्स स्मार्ट HD, जिसका प्राइस 6000 रहने वाला है। तो स्मार्ट सीरीज में आपको दो डिवाइस देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है इन्फिनिक्स ने। जैसे कि आप देख सकते हो, 8 दिसंबर को ये इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाले, तो बहुत ही जल्दी ये लॉन्च हो जाए। तो आप अगर बजट में डिवाइस लेना चाहते हो तो इसकी साथ जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस वो होने वाले हॉट सीरीज की, और हॉट सीरीज की 3 मोबाइल लॉन्च होने वाले। हाँ दोस्तों, 3 मोबाइल लॉन्च होगा इस सीरीज के, जहाँ पे सबसे पहला जो होगा इन्फिनिक्स हॉट 40 होगा, और सेकेंड होगा इन्फिनिक्स हॉट 40i, और जो थर्ड होगा वो होगा इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो। और दोस्तों, तीनों की जो प्राइस वो अंडर 10,000 होने वाले, जबकि हॉट 40 प्रो की जो प्राइस वो 11,000 के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों, हॉट 40 का कुछ हाईलाइटेड फीचर के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला Helio G88 प्रोसेसर, जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जबकि मेन कैमरा आपको 50MP का मिल जाएगा। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे 5000mAh का बैटरी और 33W की फास्ट चार्जर की सपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16GB का रैम, जहाँ पे 8GB प्लस 8GB वर्चुअल रैम होगा, और 256GB का रोम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी कुछ है इन्फिनिक्स हॉट 40 का फीचर। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस वो अंडर 10,000 रहने वाला है। तो इसकी बात जो नेक्स्ट डिवाइस है वो इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज की इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो। तो एक एक करके इसकी भी सभी फीचर को जान लेते। तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Helio G99 प्रोसेसर, जो काफी अच्छा एक चिपसेट है। उसके साथ साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें कैमरा के, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 108MP का मिलेगा। और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे भी आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 33W की फास्ट चार्जर मिलेगा विथ 5000mAh का बैटरी। और वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे भी आपको 16GB का रैम मिलेगा और 256GB का रोम मिलेगा। और दोस्तों, बात करें प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस वो 11-12,000 के आसपास हो सकता है। और दोस्तों, इस सीरीज के और भी एक डिवाइस आने वाला है, जिसकी नाम है इन्फिनिक्स हॉट 40i, जिसकी जो फीचर वो इन्फिनिक्स हॉट 40 से थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो हॉट 40i भी इन दोनों डिवाइस के साथ ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। बात करें लॉन्च डेट की, तो दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी के फर्स्ट में ये मोबाइल इंडियन मार्केट पे आ जाएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस वो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 30 VIP। तो दोस्तों, ये मिड रेंज का डिवाइस होने वाला है, जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस वाला होगा। तो दोस्तों, एक एक करके इसकी जो सभी फीचर है उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये प्रीमियम लुक के साथ एक तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस डिवाइस होने वाली है, जहाँ पे आपको प्रीमियम लेदर बैक मिलने वाला है विद RGB लाइट। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस में भी आपको RGB लाइट मिलने वाला है, GT 10 Pro जैसा ही, पर यहाँ पे आपको RGB मिलेगा। और दोस्तों, ये डिवाइस BMW रेसिंग एडिशन के साथ आने वाला है। फीचर की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट। और दोस्तों, यहाँ पे आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 108MP का मेन कैमरा, 2MP प्लस 2MP
मेगापिक्सल का दो सेंसर भी मिल जाएगा। 5000 एमएच का बैटरी मिलेगा विद 68 वॉट फास्ट चार्जिंग। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 5G प्रोसेसर जिसके एंथोसोस का 7 लाख से भी ज्यादा है। तो जो GT10 Pro पे चिपसेट यूज किया गया वो सेम चिपसेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसकी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी होने वाली है, ठीक है। तो गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट डिवाइस होने वाले है। तो दोस्तों आप अगर एक गेमिंग डिवाइस बाय करना चाहते हो तो इसके लिए वेट कर सकते हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस कितना रहने वाले। तो इनफिनिक्स नोट 30 VIP इंडियन मार्केट पे अंडर 20,000 लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों बात करें लॉन्च डेट की तो ये ग्लोबली ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट तक ये इंडियन मार्केट में भी आ जाएगा। और दोस्तों बात करें इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस वो है इनफिनिक्स की जीरो सीरीज की इनफिनिक्स 030 जो ग्लोबली ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इंडियन मार्केट में भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं आप। तो दोस्तों फीचर में सबसे पहले आपको मिलने वाला है 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड 60° गोल्डन कर्व डिस्प्ले। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 120Hz की 10-bit एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले जो प्राइस के हिसाब से काफी सही डिस्प्ले है। दोस्तों इसके बाद और एक इसके हाईलाइटेड फीचर है वो इसकी कैमरा है। इसको अब बजट की कैमरा सेंट्रिक मोबाइल भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे रियर और फ्रंट कैमरा से दोनों से ही आप 2K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जब मेन कैमरा 108 MP का होगा। वॉइस मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकते, उसके साथ साथ दो कैमरा आपको मिल जाएगा 2 MP प्लस 2 MP का दो सेंसर। और दोस्तों बात करें फ्रंट कैमरा तो फ्रंट कैमरा आपको 50 MP का मिलने वाला है जहाँ पे आप फ्रंट कैमरा से भी 2K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो प्राइस के हिसाब से कैमरा इस बजट में सभी जितने सारे डिवाइस है उससे सबसे बेहतर होने वाला है। और दोस्तों बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है हीलियो G99 प्रोसेसर जो 6 nm पे बेस है। तो प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर भी काफी सही सा है। और बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 8+8GB वर्चुअल रैम मिलेगा, मतलब 16GB का रैम होगा और 256GB का रोम होगा। और बात करें बैटरी और चार्जर की तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 45W फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो जितने सारे फीचर मैंने अभी तक बताए वो सब कुछ एकदम प्राइस को जस्टिफाई करते हैं और इस प्राइस पॉइंट पे काफी बेहतर बेहतर फीचर इस मोबाइल पे प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों इस मोबाइल के आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा, एक गोल्ड, एक लेदर पे और दोस्तों एक ग्लास जो मार्बल फिनिश पे आएगा। तो कलर भी काफी सही सा है। तो जो मेनली हाईलाइटेड दो फीचर है, एक तो होगा इसकी कर्व डिस्प्ले और दूसरा होगा इसकी कैमरा जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अगर 15,000 में एक डिवाइस लेना चाहते हो तो इनफिनिक्स की इनफिनिक्स 030 इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो आखिरी 3 डिवाइस है वो इनफिनिक्स की सब ब्रांड टेक्नो की तरफ से आता है। हाँ दोस्तों टेक्नो बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट पे टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज के 3 डिवाइस को इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहली जो डिवाइस होगा वो टेक्नो स्पार्क 20 और उसके बाद जो सेकेंड डिवाइस है वो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो और जो थर्ड डिवाइस है वो है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। और दोस्तों इस लिस्ट की जो थर्ड डिवाइस है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम अंडर 15,000 में कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है वो भी लेदर बैक डिजाइन के साथ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बैक पे जो कैमरा मॉडल वो राउंड शेप का और लेदर बैक मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कर्व डिस्प्ले भी मिल जाएगा और ये सब कुछ आपको 15,000 के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों इस लिस्ट की कुछ हाईलाइटेड फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है हीलियो G99 प्रोसेसर जो काफी अच्छी बात है। 120Hz की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिलेगा, 16GB रैम और 256GB रोम भी मिलेगा। वहीं पे आपको मेन कैमरा 108 MP का होने वाला है। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो 3 डिवाइस है वो 2024 की जनवरी पे इंडियन मार्केट पे आ जाएगा। दोस्तों यही था इनफिनिक्स की टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन जो बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाले। तो वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए।